अरे योगी तेरी तानाशाही छोड़िए एकदम छोड़ दीजिए अपने दारों में रहो बदतमीजी नहीं है नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी आज आगरा के अंदर वाल्मीकि जयंती के दिन पर एक वाल्मीकि की पुलिस हिरासत के अंदर मौत हो गई। उसको मौत कहा जाए या मर्डर कहा जाए ये बाद में तय हो पाएगा, लेकिन उसके घर पर जा रही थी, उसकी मां से मिलने के लिए जा रही थी। एक वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है और उससे मिलने के लिए विपक्ष की नेता जाती है, लेकिन विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी जैसे ही जिस जिले की तरफ चलती है, लखनऊ से अगर वो गोरखपुर की तरफ चलती है, अगर वो लखीमपुर खीरी की तरफ चलती है, अगर वो आगरा की तरफ चलती है, जिस भी तरफ वो चलती है धारा 144 लगा दी जाती है। और फिर उसके बाद में ये तस्वीरें आपने देखी हैं और ये तस्वीरें मेरे बगल में फिर से आप देखिए, कैसे प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ में बर्ताव किया जा रहा है, जबकि वहां पर सैकड़ों की संख्या में कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद हैं, उसके बावजूद कैसे खींच करके जो है वो प्रियंका गांधी को डाला जा रहा है। प्रियंका गांधी किस तरह से वहां पर डट गई है वो आपको सुनाएंगे। और ये पूरी घटना, ये केवल इतनी खबर नहीं है कि आगरा के अंदर वाल्मीकि जयंती पर एक वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है, ये खबर केवल इतनी नहीं है। इस खबर में बड़ा दिलचस्प पहलू है और ये खबर जो है वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस को बेनकाब कर देती है। किस तरह से एक वाल्मीकि को बलि का बकरा बनाया गया, इसके साफ साफ जो है संकेत दिखाई दे रहे हैं। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखिए। और कैसे इस अरुण वाल्मीकि एक नौजवान, एक हट्टा नौजवान, उसकी पुलिस हिरासत में कैसे मौत हो गई, क्या कारण था उसके पीछे, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप प्रियंका गांधी को सुनिए। प्रियंका गांधी खुल करके कह रही है कि मैं जहां पर भी जाती हूं आप धारा 144 लगा देते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं? क्या मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में बैठी रहूं, मैं किसी से मिलने नहीं जा सकती? ये प्रियंका गांधी कह रही है। और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो है वो कानून जरूर सिखा दिया है, इसलिए अब पुलिस वाले जब उनसे मिलते हैं तो पहले व्हाट्सएप पर कोई चिट्ठी वगैरह ले आते तब जाकर के बात करते हैं, वरना प्रियंका गांधी कैसे लताड़ लगाती सबने देखा है। एक बार प्रियंका गांधी को आप सुनिए पहले। मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में रहूं आप लोगों को कुछ करने के लिए। News 24 ने भी ट्वीट किया है। News 24 का ट्वीट आप देखिए। प्रियंका गांधी को आगरा जाने से पुलिस ने रोका। आगरा में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी को जो है वो रोक दिया गया है। पंखुड़ी पाठक है कांग्रेस की नेता, इनका ट्वीट आप देखिए। श्रीमती प्रियंका गांधी को आगरा जाने से रोका गया योगी की पुलिस ने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की एंट्री पर इस तरह से ट्रक आड़े खड़े कर दिए हैं। सोचिए कि एक पीड़ित परिवार को न्याय से वंचित रखने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 2-3 चीजें अब सामान्य हो गई हैं। पहली बात यह है कि कोई भी ट्रक जो है वो सड़क पर आड़े खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में दूसरा, उत्तर प्रदेश का कानून अब यह हो गया है कि कहीं पर कुछ भी हो वहां पर 144 लगा दो। और तीसरा यह है कि फिर इंटरनेट को बंद कर दो। ये 3 चीजें जो है वो बिल्कुल सामान्य हो गई है। रोड ब्लॉक कर दीजिए ट्रक लगा करके, दूसरा जो है 144 लगा दीजिए तुरंत, और तीसरी जो है वो इंटरनेट को बंद कर दीजिए। आप ये बताइए कि वाल्मीकि जयंती पर एक नौजवान, हट्टा खट्टा नौजवान है, उसकी मौत हो जाती है
और फिर उसके बाद में जो है वहां पर धारा 144 लगा दी गई। यह ट्वीट आप देखिए, ये ट्वीट है दीपक शर्मा का। दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है, डाकू जालिम सिंह पानी पिला पिला कर मारता था, योगी की पुलिस पूछ पूछ करके मारती है, मोटरसाइकिल पर बैठा ये दलित युवक कल तक जिंदा था, चोरी के शक में आगरा की पुलिस ने रात में इसकी पीट पीट करके हत्या कर दी, बीते 5 वर्षों में पुलिस हिरासत में न जाने कितनी मौतें हुई है, अब हाईकोर्ट से जांच जरूरी है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये पुलिस वाले जो हैं बगैर हेलमेट के, उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर शायद कोई कानून नहीं लगता है, वो बगैर हेलमेट के हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर 3 व्यक्ति हैं, ये दोनों अपने आप में कितना कानून का पालन कर रहे हैं पहले तो आप ये देख लीजिए। लेकिन बीच में जो बड़ी बात है, बीच में आप देखिए, बीच में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये कोई दुबला पतला कमजोर आदमी नहीं है कि पुलिस के 2 लाफे खाएगा तो ये मर जाएगा। हट्टा खट्टा जैसे पुलिस वालों की कद काठी है वैसे ही हट्टा खट्टा एक व्यक्ति था, नौजवान था, अरुण वाल्मीकि। अरुण वाल्मीकि को जो है पुलिस हिरासत में इसकी मौत हो गई, ये खबर है। ये आप देखिए एबीपी न्यूज की खबर, आप देखिए पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत, घटना के बाद छावनी में तब्दील हुआ थाना, तो पूरा थाना जो है वो तब्दील कर दिया गया। वजह वो जो है वो बड़ी इसकी जो है शातिर वजह है वो आपको बताएंगे। आप ये देखिए आगरा की पुलिस का भी बयान है, आगरा की पुलिस का बयान आप देखिए, 25 लाख रुपए थाना जगदीशपुरा की चौकी के संबंध में अभियुक्त अरुण से 15 लाख की बरामदगी के दौरान 15 तबियत खराब होने से अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। NHRC की गाइडलाइन के अनुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई के संबंध में SSP आगरा की बाइट। तो SSP आगरा की बाइट आई है और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए जो है वो चोरी हो गए थे। आप ये एबीपी न्यूज की खबर भी इसके साथ में आप देख लीजिए। आगरा के अंदर थाना है जगदीशपुरा में, 17 तारीख को वहां पर 25 लाख रुपए चोरी हो गए थे और इस मामले में जो है पुलिस ने अरुण वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया और ये मालखाने से पैसे चोरी हुए हैं, मालखाने जहां पर हथियार वगैरह रखते हैं वहां से 25 लाख रुपए थाने के अंदर से चोरी हो जाना कोई आम बात लगती है आपको? आपको लग रहा है कि वहां पर कोई स्टूल के ऊपर 25 लाख रुपए का बैग रखा हुआ था और ये अरुण आया और इसने बैग उठाया और चला गया? आपको इतनी आसान लगती है? माल खाने के अंदर अजनबी व्यक्ति को तो जाने नहीं देते हैं। हर व्यक्ति की माल खाने के अंदर जो है पहुंच नहीं होती है, माल खाने के अंदर हथियार रखे होते हैं, बंदूक रखते होते हैं, गोला बारूद रखा होता है, वहां पर वही व्यक्ति जा सकता है जो उस थाने का व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति भी माल खाने में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब पुलिस ये कह रही है कि 25 लाख रुपए जो है वो थाने के अंदर से चोरी हो गए और उसके बाद में हमने इस अरुण वाल्मीकि को पकड़ लिया और इसे 15 लाख रुपए की बरामदगी भी दिखा दी। आपको लग रहा है ये मामला इतना सामान्य है? कोई दलित व्यक्ति, कोई वाल्मीकि जो है आपको लग रहा है कि वो थाने के अंदर से 25 लाख रुपए चोरी कर लेगा और पुलिस उसको ले जाने देगी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर थाने के अंदर से चोरी हुई, कोई बैग वो लेकर के गया तो CCTV फुटेज कहां पर है? थाने के अंदर का CCTV फुटेज होना चाहिए लेकिन अभी तक कोई CCTV फुटेज नहीं आया है। चोरी का कोई फुटेज आना चाहिए था, वो फुटेज सामने नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 लाख की तो बात आप छोड़ दीजिए, अगर कोई थाने के अंदर से किसी के 2500 रुपए 25 लाख नहीं 2500 रुपए भी अगर किसी थाने के अंदर से किसी सिपाही दरोगा के अगर चोरी कर लेगा तो पुलिस उसको इतना मारेगी कि फिर वो शब्द जो है मैं आगे कहना नहीं चाहता हूं। पुलिस वाले उस पैसे की बरामदगी जो है उसके वहां से भी बरामदगी करवा लेंगे और वो व्यक्ति अपना घर बेचकर भी कहेगा पुलिस की मार के डर से कि भैया ये पैसे आपके रहे ले लीजिए। लेकिन कैसे सारा खेल हुआ है, इसमें जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है कि उसकी हत्या कर दी गई, खबरें यही आ रही है कि वहां पर घालमेल हुआ था, अपने आप से कोई घालमेल जो है वो थाने के बीच में हुआ था, कोई विवाद हुआ था और इसको बलि का बकरा बना दिया गया। वाल्मीकि जयंती के दिन एक वाल्मीकि को इस तरह से जो है वो षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार दिया गया और विपक्ष की नेता अगर उससे मिलने जाने चाहती है तो उसको कैसे जेल भेज दिया जाता है? क्या विपक्ष का काम ये नहीं रह गया कि विपक्ष अब ये केवल अपना रेस्ट हाउस में बैठे रहे, वहीं से ट्वीट करता रहे? और ट्वीट करेगा तो फिर ये गोदी मीडिया कहेगा राहुल गांधी सड़कों पर कब उतरेंगे, प्रियंका गांधी सड़कों पर कब उतरेगी? जब सड़कों पर उतरते हैं तो ये दिखाते नहीं है कि सड़कों पर उतर करके क्या हल हो रहा है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई जो भी कोई अपडेट आती है वो तुरंत आपको बताएंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।